बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जासन सारी और आप देख रहे हैं जासन सारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री समझाऊंगा मायोनीज की, वो भी एगलेस। एगलेस कैसे बनाया जा सकता है, क्यों लोगों की मायोनीज पतली बन जाती है, क्यों वो बिल्कुल पानी जैसी होती है, कौन सी गलतियाँ हैं जो वो करते हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो उनको पता होने चाहिए। करना आपने क्या है जनाब, वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। यहाँ पे जो बेसिक रेसिपी है वो ये है कि दो क्वांटिटी ऑयल की होती है और एक क्वांटिटी होती है मिल्क की। ये है रेगुलर जो आम सेटअप होता है। तो यहाँ पे आपने अगर इनको ठंडा रख लेंगे तो रेसिपी अच्छी हो, जल्दी बन जाएगी, और अगर ये रूम टेम्परेचर पर होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इट्स नॉट अ सीरियस मैटर। यहाँ पे जो खास चीज़ है वो ये कि आपका टाइम बचेगा। किस तरह से, आपने पहले ब्लेंडर में डालना है मिल्क एक प्याली और नमक दो चुटकी 1/4 टेबलस्पून, और चीनी ऐड करेंगे टेस्ट के लिए 1 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे हमारी मायोनीज ख़राब ना हो और उसमें थोड़ा सा करारा फ्लेवर आए, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। वाइट सिरका हम यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन इतना ही जूस होना चाहिए 1 टेबलस्पून। इससे क्या होता है कि मायोनीज 10-15 दिन अगर पड़ी रहे तो वो ख़राब नहीं होती, फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं आपने रखनी। अब आपने मशीन को ऑन कर देना है, और जब ये ऑन हो जाए तब आपने स्लोली स्लोली इसमें ऑयल ऐड करना है। अच्छा, ये सब चीज़ें इकट्ठी भी ऐड हो सकती हैं ब्लेंडर में, लेकिन उससे क्या होगा, आपको ब्लेंडर चलानी पड़ेगी 4 से 5 मिनट। तो अगर आप ऑयल को स्लोली स्लोली ऐड करेंगे तो ये काम जो है 2-2.5 मिनट में हो जाएगा। ये लें जी, तकरीबन ये देखें 2.5 मिनट मैंने मशीन को यहाँ पे चला लिया है, तो यहाँ पे आवाज़ चेंज हो चुकी है मशीन की, मतलब ये तैयार है। तो निकालते हैं इसको बाउल में, और माशाल्लाह जी देखें ये कितनी स्ट्रांग है, ये बाहर ही नहीं निकल रही। तो इसको निकालने के लिए स्पैचुला की मदद लेते हैं। मैं फिर आपको बता दूँ, अगर आपकी मायोनीज पतली बन जाए या पानी जैसी हो तो आपने क्या करना है, दोबारा से ब्लेंडर को ऑन करना है, और दो अगर प्याली आपने पहले कुकिंग ऑयल लिया था तो एक प्याली और ऐड कर दें। इतनी ही क्रीमी, इतनी ही गाढ़ी, इतनी ही शाइनी आपकी मायोनीज बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास बात ये है कि हमने ये घर पे तैयार की है और ये साफ़ सुथरी है, मतलब हम इस पर मुतमइन हैं। अब आप देख लें, आप मार्केट की मायोनीज लें जिस भी ब्रांड की, मैं नहीं मानता कि वो इतनी स्ट्रांग, इतनी क्रीमी और इतनी खूबसूरत होगी। ये देख लें आपके सामने है माशाल्लाह से। तो कोशिश किया करें घर पे ऐसी चीज़ें तैयार करें। अच्छा, इसको आप फ्रिज में रखिएगा, रूम टेम्परेचर में नहीं रखना आपने, आजकल आपको पता है काफ़ी गर्मी है। तो इसको फ्रिज में आप तकरीबन 10 से 12 दिन यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ ना करिएगा, क्योंकि इसके अंदर मिल्क है, ऑफकोर्स इसमें विनेगर भी है, जिस वजह से ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा 10 से 12 दिन में ये यूज़ कर लें, महीना महीना ऐसी चीज़ों को नहीं रखते। अब मैं आपको चम्मच से दिखाता हूँ कि ये कितना स्ट्रांग है मायोनीज, और ये देखें आप, ये गिर नहीं रहा। इससे ये पता चलता है कि हमारी रेसिपी परफेक्ट है। मैं फिर बता दूं, अगर आपकी पतली बने मायोनीज तो आप इसमें कुकिंग ऑयल मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। अब इसको लगाते हैं ब्रेड पे और देखिए। अच्छा, ये जितनी स्ट्रांग होती है ना, उतनी ही ये मज़ेदार होती है। अगर ये पानी की जैसी हो, पतली हो, या अपना जो वजूद है उसको बरकरार ना रख सके, तो इसका मज़ा भी नहीं आता। बच्चों को खिलाएँ, वो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसमें मैं कुछ फ्लेवर्स ऐड करने वाला हूँ, जैसे इसमें काली मिर्च ऐड हो सकती है, इसमें मस्टर्ड पाउडर ऐड हो सकता है। तकरीबन 6 से 7 रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे वो शेयर करूँगा। आपने जनाब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपकी मोहब्बत और प्यार होता है, और वीडियो को करना है लाइक। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।